हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अश्विनी कुमार। आज दे लैक्चर च असी सब तो पहला गल करांगे जी मिशन फतेह बारे। मिशन फतेह जो कि साडे माननयोग मुख्यमंत्री सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों लॉन्च किया गया है। ये मिशन फतेह असी करोना महामारी नू किस तरह नजिठना है, आने वाले समय दे विच किवें असी अपने लैवल ते कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हाँ अपनी सोसाइटी नू बेहतर करन लई ते करोना मुक्त करन लई। सो वी आर गिवन विद सम गाइडलाइनस एंड we must follow all the guidelines which are being provided by the government time to time, and the main three jo ki sanu saryan nu hi apnaniyan pehniyan ne kuch samay layi। so washing your hands time to time, so tusi kithe bahar ja ke aa rahe ho to you must sanitize yourself, right? then wear mask, mask di varto karni hai ji jadon vi abalta to tanu bahar jaan di odo hi lod hai जाना चाहिए है जो तुम्हें कोई जरूरी काम है, अदरवाइज तुम बाहर जाने तो गुरेज करो। दैन जो समाजिक दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट, ठीक है, वी मस्ट मेनटेन इट। जो भीड़ वाली थावान ने सू उ जाने तो गुरेज करना चाहिए है, और जो भी समय समय से गाइडलाइनस आनगियाँ वी मस्ट फॉलो दैम। सो नाउ कमिंग टू आवर न्यू चैप्टर, दैट इज बेसिक इलैक्ट्रीकल क्वान्टिटीज, ठीक है जी। and the topics which we are going to learn today, electric potential, then electric resistance, electric current and resistance. So first of all, electric potential or voltage, theek hai ji, idi gal karni hai apan. The capacity of a charged body to do work is called electric पोटेंशियल। देखो जी, असी किसी भी बॉडी के नाल किसी भी कंडक्टर के नाल जेकर असी कोई सोर्स लगा रहे हैं तो वह जो बैटरी का सोर्स है वो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो जोड़े एटम्स ने जो पॉजिटिव या नैगेटिव चार्ज है वह शिफ्ट होएगा। देखो, इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करे तो करंट फ्लो होया, मतलब देर इज़ अ मूवमेंट। जो भी कोई चीज़ मूव करती है देर इज़ अ वर्क डन। सो उस वर्क डन नू करन लई सानू पोटेंशियल डिफरेंस या इलैक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज की जरूरत होंगी है, ठीक है, उन्होंने असं कहने अपना जी इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है जी। एक जाउल का वन जाउल वर्क करने वास्ते सानू किन्ने चार्ज की लोड़ है, उन्होंने असं कहने जी वोल्टेज या इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। सो जिहड़ा वर्क डन हुंदा है उन्हों असी मेजर करते हैं जी जाउल दे विच, यू नो, जाउल च, एंड जो चार्ज है क्यू उन्हों असी करते हैं जी कूलम दे विच। सो आप जे गल करिए, सो वर्क डन इफ वन जाउल ऑफ द वर्क इज डन एंड द चार्ज इज़ वन कूलम, वी कैन से जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज है वह है 1 वोल्ट, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा समझाना ये बारे इन नैक्सट स्लाइड। जो भी असी कोई इलैक्ट्रिक सोर्स जो बैटरी वगैरह असी दे रहे हैं किसी सर्किट के, राइट उसका काम की है हुण जदों तां असी इस कोई सोर्स नहीं लगाया, सर्किट खुला है इस टाइम, देर इज़ नो करंट फ्लोइंग, पर जो भी असी ये कोई बैटरी का सोर्स लगाता कोई वोल्टेज देता आ तो इन इस करंट जाना शुरू हो गया। यदा मतलब इन्हें कोई ना कोई काम किया, इन्हें कोई ना कोई फोर्स पैदा किया होगा, कुछ ना कुछ इनपुट तो ये बैटरी दे गया। वो जी इनपुट है वो जो फोर्स है उन्होंने असं कहने जी इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। वो जो इलैक्ट्रिक मोटिव फोर्स है वह आता वैन वी अपलाइंग अ वोल्टेज, अपलाइंग अ पावर सप्लाई। सो हुण हुंदा की पिया, इहदा नाम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल मतलब क्षमता, डिफरेंस मतलब जो अलग अलग। देखो यार, जे आप गल करते ना वाटर की, वाटर ट्रैवल फ्रॉम हाई लैवल टू लो लैवल। जे एक पानी इतने पे उत्थे आएगा, क्यों? इतनी वो हाइट ज़्यादा, इतने कट हैगी है, जो
जो हीट है वो भी इदा ही है जी, हाई टैंपरेचर लोअ टैंपरेचर फ्लो करते, इस तरह जो करंट है वो भी हाई चार्ज वैल्यू टू लो चार्ज वैल्यू वाल ट्रैवल होंदा है, तो करंट ने उदों ही फ्लो करना आ जदों जिहड़ा सोर्स आप दे रहे हैं उहदे विच पोटेंशियल डिफरेंस होवे। इफ देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्कट, राइट। सो ये गल है इलैक्ट्रिक वोल्टेज की, आप गल करते इलैक्ट्रिक करंट की, ये बारे असं गल कर भी चुके हैं पहले। सो इन मैटल अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, ठीक है जी, विच मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एट रेंडम। सो है देखो ये सेम चीज़ है कि एक एटम आ, ठीक है, वो इलैक्ट्रो न्यूट्रॉन है, प्रोटोन है, दैन इलैक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना, वो आले दुआले कुछ फ्री जोड़े बिल्कुल बाहर होंगे फ्री होंगे आ। सो जदों तक तो असी इस कंडक्टर नाल कुछ नहीं लगाया, है ना, कुछ भी बैटरी सोर्स नहीं दिता, उदों तक तो यह जिते है उदी घूमी जाएंगे माड़ा मोटा। पर जिदा ही असी इनू कोई वोल्टेज दे रहे हैं ना, इट द इलैक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, यदि मतलब काम शुरू हो गया। सो देखो हम की लिखा मैं, वैन एन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल, जिन्होंने वोल्टेज कहने हैं, जिन्होंने बैटरी कह तक हिसाब का, वैन एन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज अपलाइड अक्रॉस द कंडक्टर एन इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अपलाइड विच कोज द नेगेटिव चार्ज इलैक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम टू फ्लो टवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। देखो जी यही चीज़ है, जिहड़ा भी असी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं सर्कट के विच, उस पोटेंशियल डिफरेंस में एक फोर्स लगाना है, उस फोर्स करके ये जो इलैक्ट्रॉन्स ने कंडक्टर दे विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है जी। सो दिस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, पहले गल कर चुके आप वेरी फर्स्ट लैक्चर, वट इज़ करंट, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एट एनी सैक्शन ऑफ कंडक्टर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर सैकेंड। जे आप गल करते हैं करंट, वह मतलब की है, वह मतलब यह है कि किन्ने पार्टिकल्स मूव कर गए हैं, पार्टिकल्स मतलब कि चार्ज, हूँ जे आप गल करते एक यूनिट एक सैकेंड के विच, सॉरी एक सैकेंड के विच एक पर्टिकुलर थान के विचों कि चार्ज पास हो गया, कि चार्ज पास हो गया, ठीक है, उन्होंने असं कहने जी करंट। सो मैथमैटिकली करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। देखो जी एक चीज़ आ, जो भी असं गल करते रेट की, जो भी असं गल करते हैं रेट की, रेट का मतलब होंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लिखी इतने कि इफ अ चार्ज ऑफ वन कूलम इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ कंडक्टर फॉर वन सैकेंड, इट इज़ सेड दैट देर इज़ अ करंट ऑफ वन एम्पेयर। जो इलैक्ट्रिक करंट है उन्होंने असं मापते हैं जी, उन्होंने पर नोटेशन वो है आई, सॉरी नोटेशन है वो आई, एंड यूनिट है वो एम्पेयर, यूनिट है एम्पेयर। इस तरह गल करते आप इलैक्ट्रिक वोल्टेज की, ठीक है, इनू असी नोटेशन है यदि कैपिटल वी, तो यूनिट है यदि वोल्ट, वोल्टेज वोल्ट्स, करंट एम्पेयर्स, राइट। सो इत फिर एग्जाम्पल है वो कि किस तरह इलैक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, देर इज़ अ सोर्स, देर इज़ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल हेयर दिस वन, राइट। जो करता जो इलैक्ट्रॉन्स ने विच आर नैगेटिवली चार्ज दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द पॉजिटिव बिकॉज द इलैक्ट्रॉन्स हैव नैगेटिव चार्ज, नैगेटिव विल अट्रैक्ट टूवर्ड द पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज इलैक्ट्रॉन फ्लो, दिस फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, एंड व्हाट आर यूनिट्स, यूनिट्स आर एम्पियर्स। सो द one of the most important definitions of electricity keh lo, electric subject keh lo, that is resistance, theek hai ji. So ede bare vi apan thodi gal karange, pehla gal karde hai definition di. When free electrons which are causing a current to flow move in a conductor, these electrons are opposed by other atoms and molecules प्रेजेंट इन द कंडक्टर, दिस ओपोजिशन इज कॉल्ड रजिस्टेंस, ठीक है जी। मैं तुम्हें समझा इस बारे, बिकॉज दिस ओपोजिशन देर इज़ अ कोलिजन विच कोज हीट
दिस इज़ द रीज़न वाई एवरी कंडक्टर गेट्स हीटेड व्हेन करंट इज अप्लाइड थ्रू इट। देखो यार अपने कोल एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कोई मेटल का पीस आ जिन्हों असी कोई बैटरी सोर्स दे देंगे, ठीक है राइट। हुण हो की रहा दे विच इत्थे अलग अलग एटम्स ते मोलिकुल्स है, राइट एटम्स भी ने ते एटम मोलिकुल्स बहुत कुछ होंगे जी। हुण जे आपां एटम की गल करते हैं, एटम इज़ हैविंग इलैक्ट्रॉन्स, इट इज़ हैविंग न्यूट्रॉन्स, इट इज़ हैविंग प्रोटोन्स, सो ऑल दीज आर द मोलिकुल्स है ना, पार्ट्स ने उहदे। हुण जदों भी इहनूं कोई सोर्स मिलेगा आपां कोई वोल्टेज अप्लाई करांगे द ओनली पार्टिकल्स विच विल स्टार्ट मूविंग आर द इलैक्ट्रॉन्स, आर द इलैक्ट्रॉन्स। हुण इहनां विचों जिहड़े भी इलैक्ट्रॉन्स होणगे, जिहड़े भी नैगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन्स होणगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टू वॉट पॉजिटिव। देखो आया इस जो भी है, हम देखो इस किन्ने सारे पॉजिटिव नैगेटिव सब कुछ हो, न्यूट्रॉन प्रोटोन वगैरह वगैरह होंगे, कुछ होर भी होएगा। तो सडनली असी इनू कोई सप्लाई देती तो इलैक्ट्रॉन्स तो मूव करने शुरू हो गए, बाकी चीज़ तो उत्थे खड़ी रही हैं। हुण होएगा कि हुण बाकी एटम्स के मोलीकुल्स उत्थे ने, जो इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करनगे बाकी चीज़ा उस इलैक्ट्रॉन्स के फ्लो रोकणगियां, रोकणगियां कि नहीं रोकणगियां। तो देखो ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਭੀੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਕੋਜ਼ ਸਮ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੇਰ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਇੰਸ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਇਨ ਐਵਰੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸਫਰਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਓਮ, OHM, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਮਸ ਲਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10th 'ਚ ਕੀਤਾ, 9th 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਜਿਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਓਮਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਇਟ। ਸੋ ਸੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸਪਲਾਈਡ ਵਿਦ ਸਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ। ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਟ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ,
देयर वाज अ कंडक्टर सप्लाइड विद सम काइंड ऑफ वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज V, उस वोल्टेज करके जो करंट गया डेट इज I, तो जो रेजिस्टेंस ए सर्किट, ठीक है, ये होएगा वो होएगा रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट, दिस इज, ठीक है, आप कह सकते हैं जी एक सर्किट आ जे असी उस सर्किट दे विच एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता किन्ना जी एक वोल्ट, तो उदे विच एक एम्पीयर करंट फ्लो किया, तो आप कह सकते हैं उदे विच रेजिस्टेंस किन्ना सी जी 1 ओम, 1 वोल्ट बट 1 एम्पीयर, सो 1/1 इज 1, सो 1 ओम, सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस। सो जे आप गल रेजिस्टेंस की कर रहे हैं, सो बेसिकली टू थिंग्स किड़े किड़े फैक्टर्स, तो एक हैगा लेंथ के उपर, तो दूजा हैगा क्रॉस सैक्शन एरिया के उपर। लेंथ के नाल है डायरैक्टली प्रपोर्शनल, मतलब जिस तरह लेंथ वधेगी उस तरह रेजिस्टेंस भी वधेगा। देखो इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनक्रीज, हुण एक कंडक्टर आया जी, ठीक है, एक कंडक्टर आया, ठीक है जी, हुण इहदे विच्चों जदों आपां नूं सर्कल लावांगे जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स आ उहने किन्ना, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन होणगे उहने किन्ना डिस्टेंस मूव करना, इन्ना डिस्टेंस ओबवियसली इन्ने डिस्टेंस नूं भी ट्रैवल कर लई उहनूं कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तां फॉलो करना ही पैणा है ना, तो इत्थे डिस्टेंस किन्ना बहुत ज़्यादा, जिन्ना डिस्टेंस जिन्ना ज़्यादा करंट नूं फ्लो करना पवेगा उन्ना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा उहदे विच, ठीक है जी। सो लेंथ जिहड़ी आ डैट इस रिलेशन नूं आपां कहिंदे आ, देखो यार दो चीज़ां ने याद रखियो तुहानूं फिजिक्स भी होणगियां, इफ दिस मीन ए इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू बी, इहदा मतलब जे ए वधेगा तां बी वधेगा, जे बी वधेगा तां ए वधेगा, एक चीज़ आ हुंदी है जी, दिस इज़ कॉल्ड इनवर्सली प्रपोर्शनल, दिस इज़ कॉल्ड इनवर्सली प्रपोर्शनल, मतलब ए वधेगा तां बी घटेगा, जे बी वधेगा तां ए घटेगा, डायरैक्टली प्रपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल। लेंथ की गल करते, लेंथ इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल, जे लेंथ वधेगी तो रेजिस्टेंस भी वधेगा। गल करते हैं जी आप क्रॉस सैक्शन एरिए, इफ द क्रॉस सैक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज, ठीक है जी, हुण एक तार है अपने को इस इन्नी मोटी, ठीक है, एक तार है अपने को इस तरह की, सो यदा जोड़ा एरिया ज़्यादा ये एरिया घट आ, सो इफ द क्रॉस सैक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज द इलैक्ट्रॉन फाइंड इज़ डिफिकल्ट टू पास थ्रू इट। देखो हुण इन्नी जगह आ इलैक्ट्रॉन्स इतने भी सारी जगह है, सो दे कैन मूव, इतने जगह घट गई, जगह घट गई तो इलैक्ट्रॉन्स नू फ्लो करना मुश्किल हो जाना, सो इलैक्ट्रॉन्स फाइंड इज मोर डिफिकल्ट टू पास थ्रू इट एंड द रजिस्टेंस इनक्रीज। इसलिए ज्यों ज्यों एरिया असी बधाने रजिस्टेंस घटेगा, जे एरिया घटाने तो रजिस्टेंस वधेगा, उल्टा हो जाता, डैट इज़ कॉल्ड इनवर्सली प्रपोर्शनल, डैट इज़ कॉल्ड दिस इनवर्सली प्रपोर्शनल। हुण देखो जे आपां नूं देखो है तो इत्थे रजिस्टेंस ही है ना, इत्थे रजिस्टेंस जिहड़ा वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ है, इत्थे रजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से जो रजिस्टेंस है उहनूं आपां कह सकते हैं जी L upon A, ठीक है जी, बाय रिमूविंग, जो भी असी इस मैं तुहानूं समझांदा हुण आपां गल करनी रेजिस्टिविटी दी कित्थों टर्म आई, ठीक है, सो वी नो दैट दिस रेजिस्टेंस इज सॉरी दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया, यस। जो भी असी इस साइन ऑफ प्रपोर्शनैलिटी हटाते हैं वी ऑलवेज इंट्रोड्यूस अ कॉन्सटेंट, जो भी, क्योंकि ये टर्म असी कदे यूज़ नहीं करते हैं, कितने कैलकुलेटर जगह नहीं ये वास्ते हैगी है, सो कैलकुलेटर से उही है ना इक्वल टू माइनस प्लस, सो जो भी असी इतों इस साइन ऑफ प्रपोर्शनैलिटी हटावे एंड इक्वल टू लावे इतने कोई ना कोई कॉन्सटेंट आएगा, इतने आप कॉन्सटेंट लिखते हैं रो, यदा नाम है रो, एल अपॉन एज इट इज़ आएगा, दिस रो दिस कॉन्सटेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। सो इतों आप लिख सकते हैं कि जी दिस योर
रजिस्टेंस वॉज रो एल अपॉन ए, ठीक है जी। सो दिस वी कैन से आर ए अपॉन एल, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सो कई बार टर्म आ जाती है, सो वी शुड नो ये टर्म कितों आई है, ठीक है। सो दीज वर द टॉपिक्स फॉर द टूडे। जे किसी नूं कोई भी समस्या नज़र आती है तो ही कैन कॉन्टैक्ट मी, तो बाकी असी क्लास के विच भी डिस्कशन ये बारे करांगे। थैंक यू।